नमस्कार हेलो। दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर, मेरे सही प्यारे दर्शकों का। अभी हमें कुंड से जो बहरोड रोड जाता है या बहरोड से जो कुंड रोड आता है ना, और गांव कौन सा है? गांव भीमसिंहपुरा। भीमसिंहपुरा में। और यहां के हमारे हमें भेड़ और बकरी पालक मिले हुए हैं, तो ये रोड से हाईवे से बाजू में है, तो मैं सोचा इनसे मिलके इनके भेड़ पालन और बकरी पालन के बारे में आपको जानकारी साझा करते हैं। हमारे साथ भेड़ पालक जुड़े हुए हैं, तो सर स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर आपका। एक बार अपना परिचय दीजिए, आपका क्या नाम है और कहाँ पर अभी हम हैं, एक बार पूरी अच्छे तरीके से बताइए क्या नाम है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए मेरा ना। नाम दिनेश कुमार है जी। जी, मेरा नाम दिनेश कुमार है जी, भीम सिंहपुरा गांव से, राजस्थान, हाँ, और कुंड रोड, भैरोड से कुंड रोड से बिल्कुल नज़ीकी हैं। और चराते हुए 50 बकरी है, 50 भेड़ है, अच्छा, इनको हम चराते हैं। और आपके स्वागत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और कौन कौन सी नस्ल की भेड़ है आपके पास? नस्ल पता है कौन सी है इसमें? देसी 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 नस्ल, देसी है, बागड़ी भी है, देसी भी है, दोनों मिल गए। अच्छा। और ये जो काले कलर की बकरी दिख रही है, कौन सी नस्ल की बकरी है? जखराना है ये, है ना? जखराना ये जखराना, देखिए बिल्कुल, ये जखराना का गढ़ी है। अब अंदर से, हाँ माखड़ी बकरी भी है, काला हाँ मुंडी, सफेद चितका वाली, काली मुंडी, मतलब ये ये माखड़ी बकरी, माकड़ी, माकड़ी बोले तो बतीसी। बत्तीसी, हाँ बतीस। बत्तीसी बकरी है। तो बत्तीसी वाले का थोड़ा सा मुझे बताइए कि कितना दूध है, जैसे ये बकरी से सामने खड़ी है, ये बकरी में कितना दूध निकल जाता है? इस बकरी में दूध अपने पास अगर बढ़िया चराई करेंगे तो एक टाइम का 1.5 किलो दूध निकल जाएगा। एक टाइम का? हाँ, और नॉर्मल खाने पे अगर हम रखें तो नॉर्मल खाने पे तो यह है कि 1.25 किलो दूध। 1.25 किलो तक का दूध है। हाँ, बहुत अच्छा। आप मुझे ये बताना कि ये जो जो आप बोल रहे माकड़ी, जो बत्तीसी है और जो काले कलर वाली बकरी है, दोनों में से ज़्यादा अच्छा दूध किसमें है? जखराना वाली में अच्छा दूध है सर, काली वाली में। काली वाली, काली वाली में, जखराना में ज़्यादा अच्छा है। देखो दूध तो है कि अपने ऊपर, मेहनत के ऊपर है, जो जितना बढ़िया खिलाओ पिलाओगे उसी में बढ़िया दूध मिलेगा। जी कोई सी भी नस्ल हो उसमें आप अपना जितना भी बढ़िया बकरी को चारा खिलाओगे वैसा ही दूध मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ से जैसे आप बाहर निकालते हो हाँ, तो कितने बजे निकालते हो, फिर क्या क्या यहाँ पे चराने के लिए मिल जाता है? क्योंकि अब खेत तो जो हैं वो अब बुवाई हो जाएगी जैसे देखो बारिश। ऐसा है कि सुबह 9:30-9 बजे खोलते हैं इनको, जंगल में बाहर ले जाते हैं, उनको पेड़ काट के ही चराते हैं, और जो खुला जंगल में खेत मिलता है उसमें जो भी चारा हो रहा है उसको खिलाते हैं। अच्छा, तो ये जैसे क्या उम्र वाली भेड़ होंगी आपकी बकरियां, क्या क्या उम्र वाली हैं? आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा भेड़ों के नज़दीक, क्या क्या उम्र वाली होंगी, है ना? अजी ऐसा है कि इसमें दोबर की भी आयोडी भी है, दो दांत भी है, तीन दांत भी है। 4 दांत भी है, हाँ मतलब सब। हमारे पास कोई भी ऐसी नहीं है जो बूढ़ी भेड़ है। अच्छा, बूढ़ी भेड़ कोई भी नहीं है, आप खूब घूम के देखिए, सारी हमारे पास जवान भेड़ है, बढ़िया तगड़ी भेड़ है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या वज़न होगा इनका, मान लीजिए अगर हम वज़न की बात करें तो कितना वज़न तक होगा वजन इसका? कम से कम एक भेड़ में 40-45 किलो है। 40 से 45 किलो। हाँ बढ़िया। और मीट की बात करें तो 50% मटन निकलता है इनमें, है ना, भेड़ में? हाँ, मटन तो बकरा हो ची भेड़ हो उसमें बराबर निकलेगा, बराबर ही निकलता है। भेड़ ज़्यादा ठोस निकलती है। अच्छा, मुझे ये बताओ आप तो खाए हो कभी भेड़ और बकरे का, दोनों का? हाँ, क्यों दोनों नहीं, में, दोनों में से स्वादिष्ट किसका रहता है? स्वादिष्ट तो ऐसा है कि देखो जो मार्केट में कोई भी भेड़ काट लो चाहे बकरा काट लो, दुकानदार आदमी तो भेड़ को भी बकरा दुकान करके की मैं बेचता। बात नहीं कर रहा हूँ, देखो वो स्वादिष्ट तो तो फिर बकरा ही, अपन सबको बेस्ट तो बकरा ही ज्यादा होता है, बकरा होता है कि भेड़ होता है? बकरा ही होता है ज्यादा बेस्ट तो। भेड़ का जो मांस होता है ना उसको इंग्लिश में मीट बोलते हैं, और जो इसका बकरी का रहता है इसको चवन बोलते हैं। तो अपन सब मटन मीट ही, बोलते हैं मटन। हाँ, वो तो हिंदी में है, मटन दोनों हो गए। तो क्या अब रेट रहेगा, जैसे कोई अगर लेना चाहता है आपके यहाँ पे, आना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो क्या रेट रखोगे भेड़ का,
क्या उम्र वाली सेल के लिए हैं, थोड़ा सा ये बताइए। सेल के लिए जैसे कि जो खार की बिना ब्याह उठी हुए हाँ बिगर बच्चे की है, जैसे कि पहलून है जो दो जून तीन जून ब्याह हुई है उसका ज़्यादा रेट रहेगा, और जो फिर एक बार बिगर ब्याह एक है अनुमान उसका बताइए, जैसे अनुमान कम से कम हो जाएगा कम से कम एक भेड़ का 20,000 रुपया। ये 20,000 रुपये की, हाँ और बकरियां जो हैं 32 ही वो, और जखराना है जो आपके पास, ये क्या रेट वाली हैं? ये भी अंदाज से ये 20-25 हज़ार के हेर फेर में बिकती है बीस ज़्यादा। पच्चीस हज़ार हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो और जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। पसंद आए तो बिल्कुल आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर भी आपको देखने मिल जाएगा, और यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते हैं। टोटल कितने जानवर होंगे अभी अपने पास? हमारे पास अभी कम से कम 150 जानवर है। 150 जानवर हैं। बिल्कुल, तो एक ये रेवड़ है 150 जानवरों का, जिसमें भेड़, 32 ही बकरी और जखराना बकरी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। आया तो बिल्कुल इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।